गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, क्या आपने अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ किचन में काम करवाते हो? अगर आप किचन में काम करवाते हो तो समर्स में जो फेवरेट ड्रिंक आपकी किचन में बनती है वो कौन सी होती है? लेमोनेड। तो लेमोनेड कैसे बनाते हैं? लेट अस स्टार्ट। हम सबसे पहले लेते हैं वाटर और उसमें हम डालते हैं शुगर। तो हमने ये वाटर लेके उसमें डाल दी शुगर। शुगर को हम डिसॉल्व करते हैं स्पून के साथ। तो हमने स्पून लेके स्टार्ट डिसॉल्विंग शुगर। तो शुगर जब हमारी डिसॉल्व हो जाती है तो हम क्या डालते हैं? अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो हमने ये थोड़ा सा सॉल्ट लिया और हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया एंड अगेन विद डिसॉल्वेंट। तो हमने वाटर के अंदर सॉल्ट और शुगर तो डाल दिया, मगर हमारा मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? दैट इज लेमन। तो हमने ये लेमन जूस, लेमन का थोड़ा सा जूस उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जितना हमें खट्टा पसंद होता है हम उतना डाल देते हैं। एंड अगेन वी डिजॉल्व इट। तो ये हमारी रेडी हो गया लेमिनेट। आज हम अपना चैप्टर इसी लेमिनेट से पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a substance to dissolve other substance in it. For example, the water, it dissolves sugar and salt in it. तो इसमें हमारे पास जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। नंबर वन, सॉल्वेंट। तो हमारा जो ये वाटर है जो अपने अंदर शुगर और सॉल्ट दोनों को डिसॉल्व कर लेता है, ये वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज सॉल्यूट? शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं दे आर कॉल्ड सॉल्यूट। द सब्सटेंस which dissolve in solvent, they are called solute. और जब ये सब dissolve हो जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? Solution. तो इस solution में हमने lemon juice में तीन चीज़ें पढ़ी हैं। तो first one is solvent, the second one is solute, and the third one is solution. And the property of water to dissolve the other substance in it is called solubility. तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, वाटर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो क्या वाटर सभी सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है? आपने देखा वाटर ने अपने अंदर शुगर को डिसॉल्व कर लिया, सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया। क्या ये अपने अंदर और सब्सटेंस भी डिसॉल्व कर लेता है? लेट अस सी। ये हमने इसके अंदर डाल दिए पॉइंट्स। तो क्या ये कॉइंस इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे? नहीं। तो कुछ सब्सटेंस जो हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे, जैसे कि ये हमारे कॉइंस, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो लेट अस ट्राई इट विद पेबल्स। तो क्या ये पेबल्स जो हैं ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे? No, ये भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो सम ऑफ द सब्सटेंस दे आर डिसॉल्व इन वाटर सच एज शुगर, सॉल्ट, दे आर डिसॉल्व इन वाटर। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। एंड सम ऑफ द सब्सटेंस विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसा ही हम लिक्विड में भी देखते हैं। लिक्विड में
जैसे कि वाटर है, इसमें आपने लेमन जूस डाला, ये लेमन जूस जो है ये वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया। सिमिलरली हम इस लिक्विड में इंक डालते हैं, हम इस लिक्विड में इंक डाल रहे हैं, ये उजाला दैट इज आल्सो एन इंक। हम इस लिक्विड में इंक डालते हैं, यू कैन सी दिस इंक इज आल्सो डिजॉल्विंग वाटर। बट अगर हम ऐसे ही लिक्विड में दूसरा लिक्विड डाल दें, वी आर स्टडिंग अबाउट द लिक्विड ना, कि सम लिक्विड दे आर डिजॉल्व इन वाटर बट सम लिक्विड दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये हमने ऑयल जो है ये डाला, तो यू कैन सी हियर दिस ऑयल Do not dissolve in water. ये ऊपर आ गया water के, ये dissolve नहीं हुआ। तो similarly as the solid, some liquids they are dissolve in water and some liquids they do not dissolve in water. So the liquids which dissolve in water they are called miscible liquids and the liquids which do not dissolve in water they are called immiscible liquids. Thank you.